होंडा कंपनी की तरफ से मेरे पास कॉल भी आया था। ये पत्ती आप यहाँ से निकाल के दूसरी तरीके की पत्ती लगा दोगे क्या? यहाँ पर रियल टाइम माइलेज बताएगा और ये देखिए 90 का एवरेज दे रही है। और इसके आगे बढ़ेंगे तो 391 रेंज है और इसके आगे 51,797 लगभग 52,000 गाड़ी चल चुकी है। एक मात्र गलती आपसे होती है और आपकी चहेती गाड़ी, आप जिसे अच्छा प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, वो पूरी की पूरी खुल जाती है। थंबनेल में आप देख ही चुके हैं, पूरी कहानी मैं बताऊंगा। तो वो एक गलती मुझसे क्या हुई, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे वो गलती आपसे ना हो, आपको ये परेशानी ना झेलनी पड़े। गाड़ी मैंने जनवरी 2021 में खरीदी थी, 52,000 के लगभग चल चुकी है। 35,000 किलोमीटर जब ये गाड़ी चली थी तब से खट खट हैंडल की आवाज़ आने लगी थी। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम लगभग सभी 70% कह सकते हैं SP125 में आ ही रही है। तो ये क्यों आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं कंपनी की एक फॉल्ट भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो मेरा मेन उद्देश्य वीडियो बनाने का ये है कि जो गलती मुझसे हुई है वो आपसे ना हो, आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और कोई भी गाड़ी हो उसमें भी आपको ये बात ध्यान देनी है। तो हुआ ये कि 35,000 किलोमीटर पर इसकी कोन सेट ख़राब हो गई थी, आगे हैंडल में जो बैरिंग होती हैं वो ख़राब हो गई और ये खट खट की आवाज़ करने लगी। उसके बाद मैंने 48,000 पर ये खुद से ही चेंज की है, मेरे हाथ में ही है कोन सेट। ठीक है, फ़ोटो आपको दिख रही होगी डिस्प्ले पर, ये इसी जगह की फ़ोटो है, यहीं की। मैं मैकेनिक के पास गाड़ी नहीं ले जाता हूँ, जो भी काम होता है मैं खुद से ही करता हूँ, बड़े से बड़े छोटे से छोटे काम मैं खुद ही कर लेता हूँ। मतलब 15,000 किलोमीटर तक मैंने ऐसे ही चलाया, खटखट आवाज़ आती रही। उसके बाद मैंने चेंज किया आखिरकार कौन सेट, तो उसमें मुझे पता क्या लगा, ये आखिर ख़राब क्यों हो गई, क्योंकि इतनी जल्दी ख़राब होना नहीं चाहिए। तो ख़राब हुई है इसलिए क्योंकि इसमें चला गया था पानी। ठीक है, मैं बार बार गाड़ी को धुलता हूँ तो उससे पानी चला गया। पानी चल जाने का रीज़न जो था वो कहीं ना कहीं कंपनी की फॉल्ट है, वो भी आपको पास से दिखाऊंगा। तो यहाँ पर पहले आप इसको कौन सेट को देख लीजिए कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, जंग लगी आपको दिख रही होगी, हो सकता है कैमरे में अगर दिख रही होगी तो देख सकते हो आप, इसके अंदर जंग लगी हुई है और जंग लगने से ही ये ख़राब हुआ। तो पानी जाना नहीं चाहिए, इसके अंदर अच्छी व्यवस्था होती है, लेकिन एक कमी है केवल, मैं पास से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैरिंग होती है यहाँ पर और ये पत्ती लगी है हैंडल लॉक वाली। तो इसमें होता क्या है कि ये पत्ती ऊपर की तरफ उठी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से बिल्डिंग है और ये ऊपर की तरफ उठी हुई है। तो होता क्या है, जब गाड़ी धुली आती है तो ऊपर से पानी आता है और इसमें ऐसे इंटर करता है, इसमें पानी जब इंटर करेगा तो होगा क्या, वो नीचे इसमें इंटर करेगा और नीचे से घूम के इस ये प्लास्टिक की जो कैप लगी है इसके नीचे से अंदर बैरिंग में चला जाता है। ठीक है, तो इसी पत्ती की वजह से पानी जा रहा है। दूसरी गाड़ी में आप देखेंगे तो ये पत्ती इस तरीके की नहीं लगी होती है, वो अलग तरीके का सिस्टम देते हैं जिससे पानी घूमे ना। इसमें क्या होगा, पानी अंदर जाएगा, अंदर जाके घूम जाएगा और अंदर बैरिंग में चला जाता है। तो ये मैंने जो कमी इसमें दिखाई है वो सही है या नहीं, इसके लिए मैं आपको दूसरी गाड़ी भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि हीरो की आई स्मार्ट बाइक है, ये मेरी ही बाइक है। इसमें आप देखिए कि हैंडल की पत्ती किस तरह की लगी है, देखिए ये बैरिंग है, इसका कवर है प्लास्टिक का। ठीक है, यहाँ पर पानी जो है बचाने के लिए है और ये पत्ती लगी है जो बीच में लगी है केवल खड़ी हुई, और इधर उधर गोल गोल लाग जैसे दिए गए हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ घूमी हुई पत्ती नहीं है, सीधी पत्ती जिससे पानी ऊपर से आएगा तो इस तरह से बाहर निकल जाएगा, देख सकते हो। तो ये एक बढ़िया सिस्टम है कह सकते हैं। फाइनली आप समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बनावट में भी है। ये कंपनी में जो पत्ती ऊपर की तरफ लगा दी है ये पत्ती ऐसी नहीं होनी चाहिए, दूसरी हीरो की गाड़ी में मैंने दिखाई है उस टाइप की, अगर होती तो काम बेटर था। अब जब ऐसी पत्ती कंपनी ने दी है तो इसका बचाव ये है कि हमको जब भी गाड़ी धुलना है या धुलवाना है तो हमेशा उसको बता देना है जो भी धुल रहा है कि इस पत्ती पर या इस बैरिंग के आसपास पानी का प्रेशर ना मारे। ठीक है, इस पत्ती पर जब प्रेशर पड़ेगा तभी पानी अंदर जाएगा, अगर इसके आसपास कहीं प्रेशर पड़ रहा है तो नहीं, मतलब है पत्ती पर बिल्कुल प्रेशर नहीं जाना चाहिए। इतना अगर आप बचाव कर ले जाते हैं तो आपकी गाड़ी में कौन सेट कभी ख़राब नहीं होगी। और अगर आपके पास होंडा की कोई दूसरी बाइक भी है SP125 के अलावा तो उसमें भी आप देख लीजिए, अगर ऐसी ही पत्ती है तो आपको उसमें भी ये भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि पानी का प्रेशर सीधा पत्ती पर ना पड़े। 52,000 किलोमीटर में अभी तक मुझे केवल 5 कमियाँ ही इस गाड़ी में दिखाई पड़ी हैं, बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वो 5 कमियाँ मैंने एक वीडियो अलग से बनाया था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप देख सकते हो। और वो 5 कमियां बिल्कुल जेन्युइन है, जो कंपनी ने ही फॉल्ट छोड़ी है। ठीक है, कंपनी को उसमें सुधार करना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूँ, होंडा कंपनी की तरफ से मेरे पास कॉल भी आया था तो उससे उन्होंने कहा कि मैं आपकी जो भी कमियां आ रही हूँ उनका सुधार दूंगा। भाई कैसे सुधार दोगे, ये पत्ती आप यहाँ से निकाल के दूसरी तरीके की पत्ती लगा दोगे क्या, क्या मतलब क्या सुधार दोगे? तो आप वीडियो जाके नीचे देखो, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब 5 प्रॉब्लम हैं जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग
फॉल्ट हैं जिन्हें कंपनी चाहे भी तो मेरी गाड़ी में नहीं सुधार सकती, लेकिन उम्मीद है होंडा से कि आगे की गाड़ियों में ऐसी 5 जो फॉल्ट मैंने वीडियो में दिखाई हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है वो आगे गाड़ियों में नहीं आएंगी। तो होंडा को इस बात को समझना चाहिए कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है, 5 कमियों को अगर हटा दें तो इसके मतलब इसके टक्कर की कोई गाड़ी मार्केट में नहीं है, और लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।